हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यू ट्रिगल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग सैमसंग गैलेक्सी M31 की। सबसे पहले तो सबसे बढ़िया चीज जो इस डिवाइस के बारे में मुझे लगी वो ये है कि ये डिवाइस अब आपको ऑफलाइन भी मिल रहा है। मैंने इसको ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन खरीदा है, शॉप्स पे आपको ये अवेलेबल है। मुझे काफी बढ़िया लगा सैमसंग ने इसको ऑफलाइन मार्केट में भी जो स्टार्ट कर दिया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर ये ऑफलाइन मिलना शुरू हो गया है तो अब ए सीरीज को कौन खरीदेगा। तो ये जो हमारा डिवाइस है इसका 6GB 64GB वाला वेरिएंट है मेरे पास, जो कि आपको ऑफलाइन 16,000 का मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको 1000 रुपीज का कैशबैक मिल जाता है, तो जो इसका ऑनलाइन प्राइस है ऑफलाइन प्राइस है वो बराबर ही आपको मिल जाएंगे 15,000 रुपए में। तो चलिए फटाफट से डिवाइस की अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको बताती हूँ इस फोन के बारे में। तो ये रहा हमारा बॉक्स, फटाफट से हम इसको खोलते हैं। तो ये रहा हमारा डिवाइस, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में है हमारे पास। इसके अलावा आपको ब्लू कलर की भी ऑप्शन मिल जाती है। सबसे पहले तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी कि हमें सिंगल कलर मिल रहा है। ब्लैक भी सिंगल कलर है और ब्लू भी जो है उसके अंदर भी कोई ग्रेडियंट शेड हमें देखने को नहीं मिलता। अब सिंगल कलर के जो डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर एक्चुअल में सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि आपको फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो दूर से ही विजिबल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे। और अगर आप इसके ऊपर कवर नहीं लगाते हैं तो स्क्रैचेस जो आएंगे वो एकदम दूर से नजर आएंगे, उभर के नजर आएंगे। तो बेटर रहता कि इसके अंदर हमें ग्रेडियंट शेड मिलता, जैसे कि हमें सैमसंग के M30S में मिला था। दोनों डिवाइसेस को अगर हम सामने देखेंगे, M30S को और M31 को, तो एक्चुअल में M30S देखने में ज्यादा बेटर लग रहा है, ज्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा है, क्योंकि ग्रेडियंट शेड जो लग रहा है इसके अंदर आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं नजर आएंगे, इसके अंदर आपके स्क्रैचेस नहीं नजर आएंगे। तो ये चीज मुझे ज्यादा बेटर लगी थी जो कि अब हमें नहीं मिल रही। मेरे हिसाब से ग्रेडियंट शेड का भी डिवाइस निकालना चाहिए था, एक कलर निकालना चाहिए था सैमसंग को। इसके साथ इस डिवाइस के अंदर हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है। और वैसे ये चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि जो कस्टमर है हमारे इंडिया में, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए क्या जरूरी है। प्लास्टिक बॉडी के डिवाइसेज उनको अच्छे लगते हैं या ग्लास बॉडी के डिवाइसेज अच्छे लगते हैं, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कंपनीज तक आपके कमेंट्स जाते हैं तो उन्हें भी पता चले कि आपको क्या चाहिए। सो आपको इस डिवाइस के अंदर प्लास्टिक बॉडी मिलती है और प्रीमियमनेस की बात करें तो आपको इस डिवाइस में नहीं फील होगी। और लुक वाइज भी डिवाइस देखने में अच्छा नहीं लग रहा, इन हैंड फील भी जो है वो इतनी सॉलिड और इतनी बढ़िया नहीं आ रही है, जो कि हमें इस बजट के बाकी डिवाइसेस में मिलता है। मतलब रियलमी की बात करें हम तो ग्लास बॉडी, मतलब रेडमी की बात करें तो ग्लास बॉडी और प्रीमियमनेस फील होती है। और इवन पोको के अंदर तो काफ़ी स्टाइलिश लगता है डिवाइस देखने में, दूर से पता चलता है ये जो 3D इफेक्ट की वजह से। सो इनमें लुक भी हमें बहुत अच्छी मिल रही है, इनके अंदर प्रीमियमनेस भी हमें बहुत ही तगड़ी मिल रही है। और देखा जाए तो पोको भी हमें 15,000 रुपये के बजट में मिल जाता है, आपको इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। सो उस हिसाब से सेम बजट के अंदर हमारे पास डिवाइसेज हैं जिनके अंदर हमें बढ़िया ग्लास बॉडी मिल रही है, प्रीमियमनेस मिल रही है। कुछ लोगों को दिक्कत नहीं आती है प्लास्टिक बॉडी से, लेकिन उनके लिए ये है कि सिंगल कलर होने की वजह से ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक नहीं आएगी जैसे पहले आ रही थी, और उसके साथ स्क्रैचेस से बचा के रखना पड़ेगा क्योंकि उभर उभर के नजर आएंगे। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, डिवाइस को फटाफट से स्विच ऑन करते हैं और मैं आपको बताती हूँ प्रोसेसर कैसा है। अब प्रोसेसर की बात करें तो हमें मिलता है सैमसंग एक्सिनोस 9611 का प्रोसेसर, उसके साथ मेली G72 के ग्राफिक्स, साथ ही आपको सैमसंग UI मिल जाती है इसके अंदर और एंड्रॉयड 10 मिल जाता है। मेरे पास 6GB 64GB वाला वेरिएंट है, आपको इसके अलावा 6GB 128GB वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा मार्केट में। इसके साथ ही अगर परफॉर्मेंस में हम एंतुतु स्कोर की बात करें, जो डिवाइस का स्कोर आया है वो है 1,90,000, और कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो स्कोर हमें काफ़ी कम मिल रहा है। मतलब हमारे पास जो कंपटीशन में डिवाइसेस आते हैं रियलमी XT, रेडमी नोट 8 प्रो और हमारा पोको फोन X2, इनके अंदर हमें 250 प्लस का स्कोर मिल जाता है। तो उस हिसाब से इसके अंदर 190 काफ़ी कम स्कोर हमें मिल रहा है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हमें सैमसंग ने इसके अंदर सेम प्रोसेसर दिया है जो हमें 6 महीने पहले हमारे सैमसंग के M30S में दिया था, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। सेम आपको सैमसंग एक्सिनोस 9611 का प्रोसेसर मिलता है, सेम ग्राफिक्स मिलते हैं। सो एक्चुअल में परफॉर्मेंस तो अपग्रेड नहीं हुई है, और यहाँ पे बाकी जो कंपनियां हैं वो ट्राई कर रही हैं, अप्रॉक्सीमेटली हर महीने ट्राई कर रही है कि आपको परफॉर्मेंस जो मिले वो और बढ़िया मिले, आपको जो प्रोसेसर मिले वो और पावरफुल मिले। तो इस हिसाब से सैमसंग को भी मुझे लगता है थोड़ा काम करना चाहिए, थोड़ी परफॉर्मेंस पिछले वाले डिवाइस से तो अपग्रेड करनी चाहिए थी, सेम के साथ नहीं आना चाहिए था। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आपको क्या लगता है, डिवाइस के अंदर अपग्रेड करना चाहिए सैमसंग को प्रोसेसर या नहीं।
वैसे डिवाइस के अंदर आपको नॉर्मल वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डे टू डे एक्टिविटीज आपकी सारी आराम से होंगी, और उसके साथ आपकी गेमिंग की भी अगर मैं बात करूं तो पबजी आप इस डिवाइस में अच्छे से इंजॉय कर लेंगे। मतलब जो हमारा प्रोसेसर है उसमें आप ये देख सकते हैं जो पबजी की हमें सेटिंग्स मिलती है HD ग्राफिक्स के हाई फ्रेम रेट पे रिकमेंडेड है, और इसको आप हाई भी कर सकते हैं, HDR ग्राफिक्स के अल्ट्रा हाई फ्रेम रेट पे भी खेल सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है गेमिंग, मैं भी इसका एक घंटे का गेमिंग रिव्यू जरूर करूंगी, लेकिन क्या होता है कि जब हम डिवाइस में ज्यादा देर के लिए गेम खेलते हैं और थोड़ी सी मल्टीटास्किंग भी कर रहे हो तो डिवाइस के अंदर ये होता है कि थोड़ी देर में आपको थोड़ा सा लैग देखने को मिलेगा, थोड़ा सा स्ट्रटरिंग देखने को मिलेगा, जो चीज हमें एक्चुअल में जो बाकी डिवाइसेस है हमारे जैसे मीडियाटेक का G90T पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर है हमारा, उसके साथ स्नैपड्रैगन का 730G हमारा पावरफुल प्रोसेसर है, उनके अंदर ये चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ा मतलब थोड़ी ज्यादा देर खेलेंगे तो दिक्कत आएगी। वैसे नॉर्मली अगर आप 20 मिनट 25 मिनट खेलते हैं गेम फिर छोड़ देते हैं, फिर दिन में मतलब दो बारी गेम खेलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी परफॉर्मेंस के अंदर, बाकी काम तो आराम से चल ही रही है, इतनी गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ज्यादा देर गेम खेलेंगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ हल्की सी स्टटरिंग आ रही है, हल्का सा डिवाइस हीट हो रहा है। वैसे गेमिंग रिव्यू मैं करूंगी इसका कंप्लीट और उसमें आपको बताऊंगी कि एक्चुअल इसकी परफॉर्मेंस कैसी आती है। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं डिवाइस के सबसे कमाल की चीज के बारे में, जो कि है इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले जो है मुझे डिवाइस का बहुत ही बढ़िया लगता है, 6.4 इंच का हमें डिस्प्ले मिलता है इन्फिनिटी यू डिजाइन में, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो कि हमारा फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ। इसके डिस्प्ले के अंदर आपको कलर्स एकदम क्रिस्प मिलेंगे, कंट्रास्ट एकदम बढ़िया वाला मिलेगा, ब्राइटनेस बढ़िया मिलेगी, सनलाइट में भी डिवाइस को आप आराम से यूज कर पाएंगे, साथ ही मूवीज में वीडियोस में मजा ही आ जाएगा। डिस्प्ले देखा जाए तो हमारे इस डिवाइस का बहुत ही कमाल का है। इसके बाद डिवाइस के अंदर जो सबसे बढ़िया चीज आती है जो मुझे बहुत पसंद है वो है इसकी मॉन्स्टर बैटरी। 6000 mAh की हमें इसके अंदर मॉन्स्टर बैटरी मिलती है, और मैं हमेशा ये कहती हूँ बैटरी जो होती है वो किसी भी डिवाइस के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आपको डिवाइस में बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हो लेकिन बैटरी ज्यादा ना मिल रही हो तो आप कैसे यूज करेंगे। इसमें हमें इतनी बैटरी मिल रही है कि आप जितना मर्जी यूज करो डिवाइस को, एक दिन तो ये खत्म होगी ही नहीं। सो ये चीज मुझे बहुत पसंद आती है इस डिवाइस की। M30S में भी हमें 6000 mAh की मिल रही थी, बढ़िया लगा था मुझे। अब इसके साथ नजर डाल लेते हैं बॉक्स कंटेंट में, तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले आता है हमारा ट्रेवल अडाप्टर जो कि 15 वॉट का फास्ट चार्जर है, डिवाइस को फटाफट से चार्ज कर देता है, चार्जिंग टेस्ट भी हम इसका जरूर करेंगे। हालांकि बजट के हिसाब से मुझे लगता है जैसे कि बाकी कंपनियां जो हैं वो काफी ज्यादा हमें फास्ट चार्जर दे रहे हैं, तो सैमसंग को अगली बार देखा जाए तो 15 वॉट का चार्जर इस बजट में नहीं लाना चाहिए, अगली बार 25 वॉट वाला जो है वो इस बजट में ले आएंगे तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी को 15 वॉट के चार्जर से चार्ज करने में थोड़ा टाइम तो ज्यादा ही लगता है, अगर 25 वॉट का मिल जाए तो और बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि बाकी कंपनियां कंपटीशन के हिसाब से 13000 के बजट में 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग दे रही है। सो अगली बार तो दे दीजिएगा, इस बार चलो एडजस्ट कर लेंगे आपके फैंस। अब आगे बात कर लेते हैं डिवाइस के कैमरा के बारे में। बैक में हमें मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जिसका अपर्चर है 1.8, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, उसके साथ आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, साथ ही फ्रंट में हमें मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। आइए मैं आपको दिखाती हूँ उसके कुछ सैंपल्स। सबसे पहले हम पिक्स पर नजर डालते हैं। पिक्स देखे जाए तो हमें एक्चुअल में काफी अच्छी मिल जाती है, आपको डिटेलिंग अच्छी मिलती है, फोकसिंग अच्छी मिलती है, ये नॉर्मल मोड है हमारा और बढ़िया लग रही है पिक हमारी। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा वाइड एंगल, 123 डिग्री का आपको एंगल मिल जाता है, तो ग्रुप फोटोग्राफ्स आप आराम से ले सकते हैं और इसके अंदर भी डिटेलिंग हमें अच्छी मिल रही है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारी पोर्ट्रेट मोड की पिक्स, इसके अंदर आपको एज डिटेक्शन काफी अच्छा मिलता है। कैमरे में गैलरी में अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको बैकग्राउंड ब्लरिंग को पिक लेने के बाद भी चेंज करने का इफेक्ट मिल जाता है, और साथ ही आप इसके अंदर काफी सारे डिफरेंट इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ये भी पोर्ट्रेट मोड की पिक है लेकिन ये हमारे आउटसाइड की पिक है, इसके अंदर भी हमारा एक्सपोजर काफी अच्छे से मेंटेन हो रहा है, आपको एकदम क्रिस्प इसके अंदर एज डिटेक्शन मिलता है, और उसके साथ आपको ये मिलता है सुपर मैक्रो शॉट, इसके अंदर भी आप अपनी क्रिएटिव पिक्स ले सकते हैं। साथ ही इस डिवाइस के अंदर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्लो मोशन, सुपर स्लो मोशन, टाइम लैप्स शॉट, और उसके साथ आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग में सुपर स्टेडी शॉट मिलता है, जिससे कि आप एकदम स्टेडी शॉट में अपनी वीडियो नहीं ले सकते हैं, लेकिन जैसे आप 4K वीडियो लेंगे तो आपका स्टेडी शॉट जो है वो हट जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा, और ये आप देख सकते हैं वीडियो सैंपल 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जिसके अंदर हमारा स्टेडी शॉट ऑफ हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके सेल्फी कैमरा के बारे में जो हमें मिलता है 32 मेगापिक्सल का, उसके सैंपल्स आप देख सकते हैं, मैंने हर एक मोड के अंदर पिक ली है, ये हमारे नॉर्मल मोड में पिक है,
इसके अंदर भी एक्चुअल में हमें स्किन टोन को काफी अच्छे से मेंटेन कर रहा है, ब्यूटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं और ये आप वाइड एंगल पिक भी ले सकते हैं अपनी ग्रुप सेल्फीज लेनी हो तो। और आपको जो इसमें पोर्ट्रेट मोड मिलता है उसके अंदर भी आपको वाइड एंगल मिल जाता है, तो पोर्ट्रेट मोड में भी वाइड एंगल आप ले सकते हैं। और उसके साथ जो इसका हमारा पोर्ट्रेट मोड है उसके अंदर एज डिटेक्शन अच्छा है और इसमें भी आपको गैलरी के अंदर ब्लरिंग इफेक्ट को और इफेक्ट को चेंज करने की ऑप्शन मिल जाती है। सेल्फी कैमरा से भी अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये है उसका सैंपल। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा एक्सपोजर अच्छे से मेंटेन है, सनलाइट की वीडियो है ये मेरा और इसके अंदर थोड़ा सा शेकी आ रहा है वीडियो वैसे हमारा। अभी तो मैंने इस डिवाइस को कुछ देर के लिए यूज किया है, जल्द मैं आपके लिए इसकी सारी डिटेल टेस्टिंग ले आऊंगी। सो गाइस ये था हमारा डिवाइस सैमसंग का M31 जो कि मुझे देखा जाए तो ओके डिवाइस लगा, एवरेज डिवाइस लगा। अभी भी इसके अंदर एक्चुअल में देखा जाए बजट के हिसाब से जो हमें चीजें मिलती हैं, जो परफॉर्मेंस मिलती है, जो चार्जिंग मिलती है, उस हिसाब से इसके अंदर थोड़ी अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अभी ये मुझे इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा, ओके डिवाइस लगा। आप लोग अगर सैमसंग का डिवाइस लेना चाहते थे, ए सीरीज लेने का सोच रहे थे तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं और उसके साथ जल्द मैं भी इसकी सारी टेस्टिंग कंपैरिजन बाकी डिवाइसेस के साथ इस बजट के ले आऊंगी आप लोगों के लिए। आप लोगों को सबसे पहले किसके साथ इसका कंपैरिजन देखना है वो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।